तो हेलो बच्चों, नुआबे यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जितने भी जैक बोर्ड के बच्चे हैं झारखंड बोर्ड के, ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है और आप लोग के लिए जागने का समय आ गया है। अब आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही समीप में है, ठीक है। पूरी अपडेट दूंगा, ध्यान से देखिएगा आपका एग्ज़ाम डेट किस प्रकार से आ सकता है, मैं सारी अपडेट देना चाह रहा हूं। और याद रखिए, ये जो बातें मैं यहां बता रहा हूं वो आपकी लगभग 100% सही होने वाली है। आपको पता होगा कि जैक बोर्ड जो आपका झारखंड बोर्ड है वो आपका डेट शीट अब जल्द से ही जारी करने वाला है। तो मैं इसके रिगार्डिंग बहुत ही जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो मैं देना चाह रहा था कि देखिए, हमारा जो जैक बोर्ड है झारखंड बोर्ड है, मैंने पहले ही बता दिया था। आप देखिएगा, विश्वास नहीं कीजिएगा, जैक बोर्ड में टर्म वन और टर्म टू जो एग्ज़ाम हो रहा है, दो टर्म में एग्ज़ाम जो हो रहा है वो मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। कैसे की थी? क्योंकि CBSE ने जैसे ही जारी किया था उसी दिन मैंने वीडियो बना के बता दिया था कि आपका 2 से 4 दिनों के अंदर आपका भी बोर्ड अनाउंस कर देगा। और आप देखे भी होंगे कि 2 से 4 दिनों के बाद जो बच्चे हमसे लगातार जुड़े होंगे कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम में बांट दिया गया, जो कि बच्चे विश्वास नहीं कर रहे थे। उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ कि जैक बोर्ड आपका CBSE बोर्ड का ही यहाँ पे आपको करता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कि सारी चीज़ें वहाँ से मतलब कि कॉपी हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे डेट वन की सीट अब जारी हो जाएंगी, आज ही 18 तारीख को ही जारी होने वाली हैं। और CBSE 10वीं 12वीं टर्म वन की परीक्षा का डेट शीट आज जारी हो जाएगा। ये 18 अक्टूबर का एकदम अपडेटेड मैं न्यूज़ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, चलिए इसको पूरी चीज़ जानकारी आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसी के रिगार्डिंग आपका भी एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, CBSE टर्म वन एग्ज़ाम डेट्स 2000 अपडेट्स क्या है कि CBSE टर्म वन की डेट शीट को इस ऑफिशियल साइट पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो याद रखिए कि जैसे इनका डेट शीट आता है आपका भी डेट शीट आ जाएगा। तो देखिए और भी इनमें क्या क्या अंतराल आपको देखने को मिल सकते हैं जैक बोर्ड में, पूरी अपडेट दे रहा हूँ। यह बहुत लंबी वीडियो, अच्छी वीडियो, देख लीजिएगा। सारी अपडेट्स देना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और .NET के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखिए, काफ़ी सारा आर्टिकल आप लोग के लिए जोड़ा गया है, सैम्पल पेपर, मेजर माइनर सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। चलिए देख लेते हैं कि जैक बोर्ड में और क्या क्या बदलाव हो सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो CBSE है वो कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा के टर्म वन की तारीखों में की घोषणा आज कर सकता है। बोर्ड ने जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, 14 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी हुए कहा था कि दोनों ही कक्षाओं के लिए नवंबर दिसंबर की जो आयोजित की जाएंगी टर्म, दो टर्म एग्जाम होंगे वो बोला जा रहा है। वही चीज़ें और कोई बात नहीं है कि टर्म वन में परीक्षाओं के लिए डेट शीट 18 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, डाउनलोड किया जाएगा और इसी साइट पर डाउनलोड कर पाएंगे बच्चे। तो ये अपडेट आप लोगों को मालूम होगा। देखिए, CBSE के टर्म वन में परीक्षा पैटर्न आपके लगभग जो जैक बोर्ड में होगा उसी तरह फॉलो किया जा रहा है। 90 मिनट की परीक्षा आपकी भी है, 50% सिलेबस कवर करना मैंने आपको बता दिया था। सिलेबस अगर अभी तक आप लोग नहीं जानते बच्चे, तो आप लोग आई बटन में जरूर देख लीजिएगा, आई बटन में मिल जाएगा, सभी का डाल दिया गया मैंने, ठीक है। और 20 मिनट पढ़ने को मिलेगा। टर्म वन में सभी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होंगे, MCQ होंगे, यही आप लोग का भी फॉलो किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि टर्म टू की परीक्षा लेने के साथ ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि टर्म टू परीक्षा जब आपका हो जाएगा तो उसके साथ ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों टर्म को मिला के आप लोगों को परीक्षा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि टर्म वन की परीक्षा को लेकर छात्र में दबाव ना हो, इसलिए परीक्षा वस्तुनिष्ठ ही होगी, ठीक है। दो बार परीक्षा इसलिए पूरा नहीं लिया जा रहा ताकि बच्चों का दबाव ना बढ़े। अब देखिए, सैंपल पेपर से रिलेटेड क्या अपडेट है देख लीजिए। CBSE ने कक्षा 10वीं 12वीं के सैंपल जारी कर दिए बच्चों। जब इनका सैंपल पेपर जारी हो गया तो याद रखिए 1 से 2 दिनों के अंदर आपका भी सैंपल पेपर जरूर से जरूर आ जाएगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपका डाउनलोड होगा। तो आप लोगों को जो बच्चे पूछ रहे थे कि सैंपल पेपर, मॉडल पेपर कब डाउनलोड आएगा सर, तो देखिए यहाँ से अपडेट मिल रही है कि आपको अक्टूबर में ही लगभग हमको लग रहा है कि आ जाएगा लास्ट तक। तो आप इसका वेट कीजिए और एकदम आने ही वाला है, तो आप उसकी तैयारी कीजिएगा। अब देखिए, मेजर या माइनर सब्जेक्ट ही आपके विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके बाद में बात की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका काम का चीज़ नहीं था माइनर माइजर, तो मैंने समझा कि इसे नहीं बताऊं तो यही बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट जिसको बोला जाता है, जो बड़ा सब्जेक्ट है, डेट शीट जारी करने की जा रही। माइनर सब्जेक्ट के लिए बोर्ड को एक ही दिन समूह से चर्चा की जाएगी, ये थोड़ी अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपको यहाँ से क्या क्या अपडेट मिली मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है।
देखिए यहाँ पे आपको लिए अपडेट ये है कि आपका एग्ज़ाम आपका हो जाएगा दिसंबर में। आप समझ लीजिए दिसंबर वाला आपको आर्टिकल मिल ही गया होगा कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम पक्का कंफर्म होने वाला है, और इसका डेट शीट अब आपका जल्दी जारी कर दिया जाएगा, नवंबर तक आ जाएगा, नवंबर के फर्स्ट वीक तक। और इसके साथ ही साथ जो मॉडल पेपर है वो अक्टूबर के लास्ट वीक तक ही आ जाएगा। तो ये सारी अपडेट मैं चाह रहा था कि एक वीडियो में कवर करूँ। अब देखिए आप लोगों के लिए जो क्लास टेंथ के बच्चे हैं उसका लिए मैंने साइंस का जो क्लास लिया है वो आप लोग देख नहीं रहे हैं, जब आप लोग देखना छोड़ दिए इसीलिए मैंने फिर क्लास लेना छोड़ दिया। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिया है, चार क्लास मैंने लिया है इस प्रकाश चैप्टर पर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश ही है, फिर भी आप लोग देख नहीं रहे। तो अगर आपको उसको देखना है तो आई बटन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिए। अन्यथा आप लोग एक टेलीग्राम ग्रुप हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम ग्रुप में नीचे लिंक भी दे दिया हूँ, लेकिन लिंक से अगर आप लोग बच्चे नहीं जुड़ पाते थे, देखिए यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिखा हुआ दिख रहा है, तो उस टेलीग्राम को सर्च करके इस ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पर 1200 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। और एक चीज़ मैं और ये बताना चाह रहा था कि हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी आपको दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम आईडी में हमसे जरूर फॉलो कर लीजिए, चैनल का ही फॉलो मतलब कि इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी सारी अपडेट मिलती रहती है और आप हमसे वहाँ पे बात भी कर सकेंगे। तो इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो जरूर कर लेना। तो ये दो काम आप लोगों को कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए एंड स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा जो वीडियो क्लास मैंने क्लास टेंथ का लिया है, और यहाँ पर सिलेबस दिख रहा होगा, ये साइड सिलेबस और ये साइड आपका ये दिख रहा होगा। तो आप लोग देख लीजिए इसको। आज के लिए बस इतना ही है, जो भी अपडेट आती है इस चैनल पर बताई जाएगी। धन्यवाद।